मैं इसे अभी पूरी तरीके से दिखा नहीं सकती क्योंकि मेरे अभी बेड पे पूरे में कांच हो गया था। आप ऐसे देखो, एक भी प्लेट अगर सही सलामत रिसीव हुई हो तो। लो बुआ ने भी लगा लिया, बुआ भी क्यूट लग रहा है ना ये मायरा। सो गाइस दिस इज माय आउटफिट। और यहाँ पे एसी नहीं चलेगी। हमारा एक बार जीप निकाल के दिखा दो। हमारा एक बार जीप करना। कैसे करते हो आप? ऐसे करते हो? जीप ऐसे करते हैं। अब हमारा फोन लगाएगी, उसको लग रहा है ये फोन है, ये लगाया। पापा ऐसे करो, हमारा ऐसे बात करो। हेलो पापा, दिस इज माय न्यू रग कम कारपेट। काफी बड़ा है नहीं? एंड सॉफ्ट भी है, फरी फरी सा। एक दो, ये कपड़े धोने के लिए जा रहे हैं वो। अच्छा, ये मैंने कर्टन लगा दिया यहाँ पे किचन को सेपरेट करने के लिए, एंड यहाँ पे प्लांट रख दिया ताकि अच्छा लगे। जा रहे हैं बेडशीट चेंज करने। ओके गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइस्टर्स व्लॉग। हमारा के साथ तो बहुत, अमायरा जब से चलने लग गई है यार बहुत ही मुसीबत हो जाती है। बच्चे चलते ही नहीं है ना, तो पहले लगता है यार अभी छोटे हैं बहुत दिक्कत होगी। नहीं, फिर 6 महीने हो गए तो बहुत दिक्कत होगी नहीं। चलने के बाद जो दिक्कत शुरू होती है, शायद उसके बाद वाली दिक्कत तो कुछ नहीं है। मैंने अपना नया कारपेट, सफाई सब कुछ कराया। वो मेरे नए कारपेट पे सूजू करके भी चली गई, मुझे बहुत दुख हुआ उस वक्त। और मेरा जो लैम्प है उसे भी उसने गिरा दिया, बट वो होपफुली ऊपर का था, वो टूटा नहीं। कुछ नहीं, हमने बाल धो रखे हैं, नहा धो लिए हैं, और मैं अपना फेवरेट सीरम जो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, नॉट हेयर सीरम, मैं शेयर करूंगी मेरा स्किन का फेस सीरम जो मेरे को बहुत पसंद है। लोग कह रहे थे यार आप सीरम लगाते हो देन स्टिल आपकी स्किन पे इतने ब्रेकआउट्स। गाइस, ब्रेकआउट्स इज अ नॉर्मल एंड वो हर स्किन टाइप को होता है। मेरी स्किन बहुत ही ब्रेकआउट नहीं करती है, बहुत ही रेयर करती है। या तो मेरी डाइट के ऊपर है या तो मेरा स्ट्रेस लेवल है। ब्रेकआउट्स होने के बहुत सारे रीजन है। ओके, तो अभी मेरे पास, अभी देख रहे हो कि सारे ब्रेकआउट्स सप्रेस हो गए, इवन ये वाला भी सप्रेस होने लग गया, और अभी कोई भी ब्रेकआउट्स नहीं है। मेरी स्किन में बहुत ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं, मेरी ऑयली स्किन नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। बट कभी कभी स्ट्रेस बहुत होता है, डाइट, अब तो मैं डाइट भी ठीक लेने लग गई हूँ, लेकिन स्ट्रेस लेवल, हु नोज कि किसको क्या स्ट्रेस है। सर नहीं है ना, हम चेहरे पर जो दिखा रहे हैं वही हो। ठीक है, चलो छोड़ो। तो मेरा जो फेवरेट फेस सीरम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ वो और कोई नहीं है, जो मैं 1000 times बात कर चुकी हूँ, वो ये है मामा अर्थ का स्किन प्लम फेस सीरम। ये मुझे रेकमेंड किया था निधि ने। सो मैंने सनस्क्रीन अप्लाई कर ली है, टोनर अप्लाई कर लिया है, उसके बाद में ये फेस सीरम। मैं इसे 2 बार यूज करती हूँ और मैं इसे अराउंड फेब्रुअरी से यूज कर रही हूँ, और मेरा ये फेवरेट फेस सीरम है। इसकी एप्लीकेशन इतनी स्मूथ है एंड ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि एक्चुअली में वर्क करता है। जैसे आप कहो, ये ब्रेकआउट्स के लिए नहीं है बाय द वे, बता दूं, ना ही ये स्पॉट्स के लिए है। ये आपकी स्किन के स्किन इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड एंड रोजिप ऑयल है जो कि आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स एंड स्किन टाइटनिंग में हेल्पफुल है। सो ये फेस सीरम मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सीरम इज ये फॉर एजलेस स्किन है, बट ये ऑल स्किन टाइप्स को सूट करता है। इसके अंदर कोई पैराबिन नहीं है, सिलिकन नहीं है। मामा अर्थ एक पैटा सर्टिफाइड एंड क्वालिटी फ्री ब्रांड है, और ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड भी है गाइज। लाइक जितना प्लास्टिक यूज करते हैं उससे ज्यादा रिसाइकिल करते हैं। सो इस सीरम को लगाने के बाद ऑटोमेटिकली आपका फेस बहुत स्मूथ हो जाता है। और इसे मैं, आप मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो, व्लॉग्स में भी देखा होगा, नहीं देखा मेन चैनल पे भी मैंने सीरम के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। इसके अलावा मामा अर्थ के 2 और सीरम्स हैं जो काफी ज्यादा बेस्ट सेलर में रहते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है ये मामा अर्थ स्किन करेक्ट फेस सीरम फॉर एक्ने मास्क एंड स्कार्स के लिए, यू नो, इस पे लगाने के लिए। अब देखोगे ये वाला पहले बहुत ज्यादा था, क्लाइड है। सेकेंड वन इज दिस वाइटामिन सी स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस सीरम, वाइटामिन सी एंड टर्मरिक। ये 2 फेस सीरम अगेन काफी बढ़िया है, बट माय मोस्ट फेवरेट इज दिस वन। तो मैं इसका हमेशा स्टॉक रखती हूँ। और ये वैसे इसका प्राइस है 599 rupees, बट डोंट वरी गाइज, आप मेरा कोड यूज कर सकते हो शायद 2020 टू गेट 20% का ऑफ। बट ये कोड सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है mama.in पे, तो आप वहां पे ये कोड यूज करो, 20% का ऑफ मिल जाएगा लेना चाहो तो ये सीरम। एंड ट्रस्ट मी, एक बार ये वाला सीरम यूज करके देखो, बहुत अमेजिंग है। मुझे पर्सनली मेरा फेवरेट है, और मैं बोलूंगी कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। बट अगर आप 25+ हो तो डेफिनेटली आपको ये सीरम यूज करना चाहिए, आपकी स्किन काफी बेटर लगेगी आपको।
सो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा. ओके और उसके बाद हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पे लिपस्टिक. तो आजकल मुझे लिपस्टिक जो ज्यादा पसंद है लॉरियल की है, एंड न्यूड शेड पसंद है. सोचोगे न्यूड बोल के पिंक क्यों, डोंट वरी. ये 121 आई चूज था, उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ये ब्यूटीफुल सा परफेक्ट न्यूड शेड. सी अगर आप मेरे ब्रेकआउट्स एंड स्पॉट्स को नेग्लेक्ट करो एंड देन जस्ट लुक एट माय स्किन, कोई भी ऐसे बम्स एंड ऑल यू नो पिंपल्स नहीं है, स्किन बहुत ही रेडिएंट लगती है एंड देयर इज नो मेकअप फर्स्ट ऑफ ऑल. बट आई नीड टू टेक केयर और इसलिए भी मैं मेकअप भी कम कर रही हूँ, क्योंकि सीजन ऐसा है कि बहुत जल्दी ब्रेकआउट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एंड इट्स टू मच गर्मी राइट नाउ. ओके गाइस निकलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे. हमारे को झाड़ू मिली है. ये झाड़ू कहाँ जा रही है. हमारा क्या हो गया, जल्दी भागो, हमारा भूत आया, भूत आया हमारे, चलो 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 चलो, भूत भूत भूत. अरे ढीट है यार ये लड़की. हमारा बस झाड़ू है, उसके साथ इतनी देर थोड़ी ना खेलते हैं. ये क्या रील का डब्बा दिखाऊं, हम रील का डब्बा भी लेके आए नई वाली मशीन के लिए. हमारा क्लैपिंग, हमारा क्लैपिंग, हमारा हेलो कर दो, हेलो पापा. तो हम कुछ नए सामान लेके आए हैं, ग्लासेस, ड्राई फ्रूट सेट, कप एंड क्रॉकरीज का कुछ सेट लेके आए हैं. उसी को लेने के लिए मैं गई थी रुखसार के यहाँ पे. ये पूरा टी सेट है कैटल के साथ. क्या हुआ तेरा वादा. Amazon क्या हुआ, फर्स्ट एवर इन माई लाइफ गाइज, फर्स्ट एवर इन माई लाइफ कि मुझे Amazon की डिलीवरी इस तरीके से रिसीव हुई. मैंने ऑर्डर की थी कुछ प्लेट्स, सेरेमिक प्लेट्स थी, ये रहा बिल. एंड मैं इसे अभी पूरी तरीके से दिखा नहीं सकती क्योंकि मेरे अभी बेड पे पूरे में कांच हो गया था. आप ऐसे देखो, एक भी प्लेट अगर सही सलामत रिसीव हुई हो तो. इतनी सुंदर प्लेट थी, मुझे बहुत पसंद है वाइट क्रॉकरीज, बहुत ज़्यादा पसंद है. बट एक भी नहीं, मतलब इतने छोटे छोटे पीसेज हैं, इतने छोटे छोटे और पूरी कांच. और सबसे मेन कि यार इस तरीके से पैकेजिंग कौन देता है, लेकिन इस तरीके से कुछ तो अच्छा सा रैप करके रखते हैं. बट नहीं, टोटली डिसअपॉइंट कि इस टाइम पे अमेज़न ने इस तरीके से डिलीवरी किया, बहुत बेकार. मतलब मैं अब इसको मैंने रिटर्न में डाल दिया, लिख भी दिया कि प्रोडक्ट्स आर डैमेज एंड डिलीवरी इज नॉट, लाइक पैकेजिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट, पैकेजिंग बहुत गंदी थी. क्यों. एंड या मैं जा रही हूँ, भी रेडी होने, मैं आपको दिखाऊंगी मेरा नया लुक. स्टे ट्यून्ड. ये कैसे हो रहा है. लो बुआ ने भी लगा लिया, बुआ पे भी क्यूट लग रहा है. नहीं हमारा, हमारा बुआ पे क्यूट लग रहा है आपका हेयर बैंड. So I'm ready. Oh God, गर्मी बहुत है. Let me open this. Wow, nice. So I'm ready. I love these earrings. ये इंस्टा स्टोर के हैं, किसी इंस्टा स्टोर में भेजे थे और इतने पसंद आए कि मैंने इस कुर्ती के साथ वेयर कर लिया. एंड दिस इज माई आउटफिट गाइज, वाइट पैंट. ओके दिख रही है वाइट पैंट, दिस लूज फिटिंग कुर्ता एंड दिस कॉटन का दुपट्टा जो मैं अभी रिसेंट में लाई थी. सो दिस इज माई आउटफिट, आई एम एक्साइटेड. ओके सो मैं बाहर गई थी बट मैं कैमरा ले जाना भूल गई थी, मैं शूट भी नहीं कर पाई. तो मैं कुछ चीज़ें लेने गई थी, सैनिटाइज कर लिया है. ये आलमंड्स नहीं, कैशू एंड पिस्ता बिस्किट्स एंड कुछ और चीज़ें हैं जो मैंने रख दी हैं किचन में ठंडी होने के लिए, क्योंकि कुछ गेस्ट आ रहे हैं हमारे घर पे. सो उसकी वजह से आई एम रेडी. हाउ डू आई लुक गाइज, टेल मी. वैसे ऐसा कुछ खास किया नहीं है, कोई मेकअप नहीं है, लाइक
स्पॉट्स देख लो, पहले बता रही हूँ। कुछ किया नहीं है, बहुत गर्मी लग रही थी, बाहर गए फटाक से, 5 मिनट ही लगे, ज्यादा दूर नहीं है हमारे घर से मार्केट। सो या एंड अच्छा, मेरे को आपको न्यू रग दिखाना था, लाइक न्यू कार्पेट। ये वाला न्यू कार्पेट है ग्रे कलर का, जो सोफे के साथ मैंने लगा दिया है, काफी लंबा चौड़ा है एंड इट्स वेरी फरी एंड सॉफ्टी सॉफ्टी, लव इट। सो अब जा रहे हैं हम इसको सर्व करने, सर्व एज इन मतलब ड्राई फ्रूट्स की ट्रे में रखने। सो गाइस दिस इज माय आउटफिट। सो मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है? ये कुर्ती मिंत्रा की है, दुपट्टा लोकल स्टोर से है एंड पैंट जो है वो भी एक इंस्टाग्राम, नॉट इंस्टाग्राम, एक वेबसाइट की थी। सो गेस्ट आर गॉन, गेस्ट चले गए हैं एंड ड्राई फ्रूट्स रख दिए, सब कुछ चले गए। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा सोने क्योंकि मुझे शाम को शूट करना है एंड हमारा भी बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने सैनिटाइजर की बॉटल बाहर रखी हुई है। जब गेस्ट चले जाते हैं तो बचते हैं मेहमान नवाजी वाली चीजें, जैसे कि ये रहे, हमारा सारा सामान कैसे रखा हुआ है हमने, सब न्यू था, मतलब सब पैक था विद सैनिटाइज्ड। या ये जूस है, ऑरेंज जूस है इसमें, जूस में पी लेती हूँ। मेरे सोफे पे छिपकली आ गई है, मैं आपको दिखाऊं, वो दिख रही है, वो जा रही, एक सेकेंड कहाँ है ये रही। मुझे छिपकली से गिलगिली से लगती है। हमारा कटाई पर भागो भागो भागो। हाय, नहीं करना, हाय तो कर लो हमारा प्लीज। बहुत गर्मी से हम अभी वापस आए हैं। ओके सो हम जा रहे हैं नहाने धोने, फ्रेश होने, क्योंकि मैं बाहर से आई हूँ, काफी टाइम हो गया, सैनिटाइज कर लिया था ये। अभी देखो हमारा क्या कर रही है, लिपस्टिक गिरा रही हो। मेरा न्यू सोफा कवर मैची मैची टू माय वॉल, दिस इज माय न्यू। अच्छा जी, ये लड़की तूफान है मेरी जिंदगी में। हमारे ने अपनी बहुत छोटी फ्रॉक पहनी हुई है, क्या मेरे गैर मौजूदगी में कोई आया था और उसने हमारे कपड़े तय लगा के रखे हैं और कोई और नहीं है, हमारी मदर इंडिया है जो आई थी, क्योंकि वही आती हैं रूम में और वही सेट करती हैं, या फिर मैं करती हूँ मेरे रूम का काम या मेरे घर का काम, कुछ कर रही है। जब घर में छोटा बेबी हो ना तो दिल उसी के साथ लगता है, और मेरा दिल इसके साथ बहुत अच्छे से लगता है। ऑल राइट सो अच्छा हाँ, मुझे आपको दिखाना था, हमारे यहाँ पे मेरे फ्लोर पे फाइनली सेकंड फ्लोर पे लिफ्ट का काम स्टार्ट हो गया है। सो फाइनली मेरे फ्लोर पे लिफ्ट का काम शुरू हो गया है, बहुत जल्दी लिफ्ट का काम स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि पापा एक्चुअली थक जाते हैं, तो पापा के लिए ज्यादा है, हम लोग तो बहुत कम ही अप एंड डाउन करते हैं, अप एंड डाउन अपन दोनों अप एंड डाउन कम करते हैं, हमारे तो अप एंड डाउन करती ही नहीं है, कुछ ना कुछ इसको लड़की को शरारत सूझती रहती है। अरे अभी बाहर भागना सीख गई है तो उसका डर, देखो कुछ कह रही है बाहर। हमारा काम ये क्या, नियत बांध रही है नमाज की, हमारा हमारे लोगों को नमाज पढ़ के दिखा दो, दुआ कर दो, दुआ दुआ कर लो, दुआ दुआ करके दिखा दो कैसे करते हैं दुआ, ऐसे कर दो। सुंदरी क्या है। ऑल राइट यू गाइस, सो आई होप आपको ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा, वीडियो कैसी लगी प्लीज मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चॉइसलेस ब्लॉग चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।